बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत को 7 महीने हो चुके हैं और रोज़ एक ऐसी खबर देखने को मिलती है जो पिछली तमाम पर भारी होती है। एक नया ज़ख्म खुल जाता है कि पुराने ज़ख्म छोटे महसूस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मनाजर कैमरे की आँख ने कैद किए हैं कि अब आप उन्हें देख कर जो जंगी फिल्में होती हैं उनको भी भूल जाएंगे। ये सब चीज़ें हकीकत में हो रही हैं। इससे पहले मैंने इज्तमाही कब्रों के बारे में तफसील से बताया था, अब कब्रों के बारे नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, उसे ही बात करूंगा। उसके साथ ही अमेरिका में फ़िलिस्तीनियों के हकूक़ के लिए एहतजाज अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। पाबंदियों के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वीडियोस के जरिए जंग बंदी की दरख्वास्तें हो रही हैं और अमेरिका के ख़ास तौर पर नौजवान तबके ने एहतजाज का एक नया तरीका मुतारिफ कराया, उससे ही बात करूँगा। लेकिन उसके साथ ही मलाला यूसुफ़ज़ई के शुरू से ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि वो इस मसले पर खामोश हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आ गया, उस पर भी बात होगी। पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो ईद के बाद दमादम मस्कर अंदर शुरू होना था वो हो चुका। तो इस्लामाबाद पे कब्जे की खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये कब्जा किसने करना है उस पर भी तफसील से बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर इसराइल के मुजालिम की बात करें तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इसमें एक ऐसा जुल्म शामिल है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है कि कौन इस हद तक गिर सकता है, जुल्म के पहाड़ भी तोड़ सकता है, कोई इस हद तक जाबिर भी हो सकता है। तो अरब मीडिया का बताना था कि फ़िलिस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक गाज़ा के खान यूनस शहर के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 अलग अलग इज्तमाही कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। कब्रों से मिलने वाले फ़िलिस्तीनियों की लाशों से कम 10 लोगों के हाथ बंधे हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों के जिस्म के साथ अभी तक मेडिकल ट्यूब्स भी जुड़ी हुई थी, जिससे इम्कान या खदशा जाहिर होता है कि उनको इसराइली फ़ौज की जानिब से ज़िंदा दफन किया गया। तो अब इन तमाम लोगों का पहले फोरेंसिक होगा, उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ा होगी और इनकी मौत की वजूहत क्या थी, क्या वाकई उन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया गया। गाज़ा में अब तक 6 इज्तमाही कब्रें दरियाफ्त हुई जिनमें से तकरीबन 450 लोगों की लाशें बरामद हो चुकी हैं। हमने अब तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था ना, या फिर सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था कि माजी में हुक्मरान इतने ज़ालिम होते थे कि वो लोगों को ज़िंदा दीवारों में चुनवा देते थे, या फिर उनको ज़िंदा अपने पालतू जानवरों का खाना बना देते थे या ज़िंदा दफन कर देते थे। लेकिन अब हम वाकई में जुल्म की दास्तान रकम होती देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अफसोस है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हुक्मरान भी शायद मजबूर हैं। खैर, एहतजाज की बात करें तो देखा गया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ उधेड़ उम्र लोगों की बजाय नौजवानों ने ज़्यादा आवाज़ बुलंद की है। आप मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में भी देखते होंगे कि अमरीका या किसी भी मगरबी मुल्क के हुक्मरान जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद तलबा जो हैं उनसे मुखातिब होते हैं, तो उनसे फ़लस्तीन का सवाल ज़रूर होता है कि आप लोग फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम पे खामोश क्यों हैं। उसी वजह से बहुत सी वीडियोज़ ऐसी देखी गई हैं जिनमें ऐसे सवालात करने पे लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया, सिक्योरिटी बुला ली गई, लेकिन फिर भी सवाल जारी हैं। बिल्कुल इसी तरह अमरीका के मुतअद्दिद कॉलेज कैंपसेस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरों में शिद्दत आई है। यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात में मुजाहरे हो रहे हैं। बहुत से तालिबे इल्म ऐसे हैं जिन्हें फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करने पर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज किया। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक्शन लेने की धमकी दे दी गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो गुज़िश्ता दोनों यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरख्वास्त पर पुलिस ने एहतजाज करने वाले 108 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तो इसी तरह इंटरनेट पर कुछ वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि तलबा ने मास्क पहन रखे हैं और फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे कर रहे हैं ताकि वो आवाज़ भी उठा सकें और उनकी शनाख्त भी ना हो, ताकि वो यूनिवर्सिटी से ना निकाले जाएं। तो इस तरह की वीडियोस देखकर एक उम्मीद की किरण जागती है कम से कम कि हमारी आने वाली नस्ल जो है और नौजवान तबका वो इस हद तक हसास है कि जुल्म को जुल्म कहने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर इन मुजाहरों के असरात की बात करें तो उनके असरात इसराइल तक पहुंच चुके हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी जामियात में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक है। यहूद मुखालिफ मुजरिमों ने नामवर जामियात में कब्जा कर लिया। यहूद मुखालिफ हजूम इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं और हजूम यहूदी तलबा और फैकल्टीज़ पे हमले कर रहे हैं। अमरीकी जामियात के कई सदूर का रद्द अमल शर्मनाक है, यानी इस आग की शिद्दत इसराइली वजीर आजम तक महसूस हो रही है। मलाला की अगर बात करें तो मलाला को काफ़ी अरसे से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि इसराइली मामले पर खामोश हैं, बात नहीं कर रही।
तो इस हवाले से मलाला ने एक तफसीली पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर लिखी है, जिसमें कहा गया कि गाजा में नसर और अलशफा हस्पताल में इज्तमाही कब्रों की दरियाफ्त फलस्तीनियों पर जुल्म का एक और बाब है। नहीं मालूम कि फलस्तीनी ये तकलीफ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। हम मजीद लाशें, स्कूल से बमबारी और भूख से तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। गाजा में जंग बंदी फौरी और इंतहाई ज़रूरी है। जंगी जराइम और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइली हुकूमत को मजम्मत करती रहूँगी। इसराइली हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करने वालों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। तो इस तरह अगर आप में से किसी ने वो फिल्म देखी है द पियानिस्ट, तो उसका मरकजी किरदार जंग अजीम दोइम के बाद तबाहशुदा घरों और इमारतों के दरमियान रोता हुआ होता है नज़र आता है। वैसे ही एक वीडियो इंटरनेट पर गर्दिश करी है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान लड़की तबाह हाल इमारतों के दरमियान रोती हुई दौड़ रही है। फर्क सिर्फ यह है कि ये हकीकत में गाजा और फलस्तीन में नज़र आ रही हैं। बस अल्लाह करे कि फलस्तीनियों की मुसीबतें ज़रा जल्द ख़त्म हो जाएँ, जंग बंदी हो और इस मसले का कोई परमानेंट हल निकले। तो पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें तो आज से धरनों और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो रहा है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में आज की डेडलाइन दी थी, आज मुल्क भर में रैलीज निकालनी थी, एहतजाज भी होने थे। इसके अलावा मई के पहले हफ्ते से फैसलाबाद में जलसे से एक बड़ी तहरीक का आगाज़ भी होने जा रहा है, जो कि अपोजिशन जमातें मिलकर शुरू करेंगी। इस्लामाबाद पर कब्जे की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। कल वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को माइनस करने के ख्वाब देखना छोड़ दें, जिन्हें जेल में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई वज़ीर आला बन गया, हक ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा खुद एहतजाज कर लेगा। इस्लामाबाद में हुकूमत गिरा कर वापस जाएंगे, हमें मजीद इश्तियाल ना दिलाएं, हमारा हक ना दिया तो हुकूमत को गिरा कर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस जाली और गलत बनाया गया। इमरान खान और कारकुनान ने कौम को जगा दिया है, कौम जाग चुकी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। कमजोर लोग कभी भी आवाज नहीं उठा सकते, माइनस इमरान खान तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। यानी अगर आप इस तरह के बयान सुन रहे हैं तो आप उनकी संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जो पूरे सूबे का वज़ीर आला है वो किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहा है और वफाक पर कब्जा करने की बातें कर रहा है। वो लोगों को इश्तियाल दिला रहा है कि हम इस्लामाबाद पर ही अलकार करें। इस शख्स की माजी में ऑडियोज भी लीक होती रही हैं, जिसमें ये एहतजाज और बंदूकें लाने की बातें कर रहा था। कभी ये ख्वातीन सियासतदानों पर जुमले कसते हैं, कभी हुकूमत को धमकियाँ देते हैं और फिर उसी मुँह के साथ मसाइल हल करने के लिए बात भी करते हैं और फिर फंड्स भी मांग रहे होते हैं। यही लोग मुज़ाकरात की भी बात करते हैं, यही लोग कहते हैं कि वफाक में हमें साथ लेकर नहीं चलना चाहता, हमसे बात नहीं की जाती। क्या इस रवैये के साथ किसी से कोई बात होती है? क्या इस मार धाड़ के रवैये के साथ कोई आगे बढ़ सकता है? 9 मई को सबने देखा कि क्या हुआ और ये लोग अभी तक इस पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि इससे अपने ही खिलाफ साजिश करार देते हैं। अब तो इतलात ये भी आ रही हैं कि यही अलीमीन गंडापुर 9 मई को डेरा इस्माइल खान में बहुत बड़ा जलसा करना चाह रहा था और उसमें लोगों को बताएंगे कि कैसे हमारे खिलाफ साजिश की गई। इस सारी गुफ्तगू का हासिल यह है कि पीटीआई अब भी वही पुरानी मारधाड़ और अपोजिशन वाली सियासत से बाज नहीं आ रही। इमरान खान को आज भी लग रहा है कि हम 2014 में हैं और वो कंटेनर पे खड़े होकर इस्लामाबाद पे यलगार कर देगा, ना वो खुद काम करेगा ना ही किसी और हुकूमत को काम करने देगा। इस रवैये से तो मुल्क नहीं ठीक होगा, ना ही हम सियासी तौर पर बालिग होंगे, बल्कि अगली कई दहाइयों तक इन्हीं मसाइल में उलझे रहेंगे। अल्लाह करे कि इनको अकल आए और ये कुछ समझ जाए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं, लेकिन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।